अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। ओके, सो आई होप यू ऑल आर इन्जॉइंग द वेदर। टुडे द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड मैसेज फॉर टुडे इज स्पीक इन सच अ वे दैट अदर्स लव टू लिसन टू यू। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश कोर्स बुक। टुडे वी विल स्टार्ट our new chapter, okay? Okay, this is your English course book. Open your book on page number 33. All of you must have your book with you. Yes, open your book on page number 33. Take out your pencils, write date and day on the top of the page. All of you must have your book with you. Yes, turn on your video. Take out your book and write down date and day on the top of the page. The title of our new chapter is How I Have Suffered. Suffered ka matlab hai aapke paas tolerate karna, bardasht karna, okay? But first, you must having your pencil with you. Write down the meaning of the title, suffered. Write down the meaning of suffered, bardasht karna. And if anyone wants to write in English, so in English it is tolerate. Write down the meaning of suffered, that is bardasht karna. So how I have suffered, मैंने कैसे बर्दाश्त किया। The title is all about this, ठीक है। Now we will find के ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, किसने क्या बर्दाश्त किया, क्या tolerate किया या क्या tolerate करना है उसे। Okay, hurry up, write down the meaning of suffered, बर्दाश्त करना। Done. Okay, now all of you must have your book open in front of you. Look at the start, page 33. Okay, some people are unusual. Unusual means not common. बच्चे सुहेल, ये तो रीडिंग है ना, इसमें आपको जूम करने की क्या ज़रूरत है। आप एक क्या करें कि आप अपनी बुक की तरफ देखें। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ओके। एंड मीनिंग्स मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको, ठीक है। ओके, सम पीपल आर अनयूजुअल मीन्स दे आर नॉट कॉमन। दे डू एंड से थिंग्स डिफरेंटली एंड पोजेसेस यूनिक क्वालिटीज। दे आर आल्सो अनफॉरगेटेबल। This story describes one such person and her strange and intense relationship with the family. Okay, write down the meaning of unusual. Unusual means not common. गैर मामूली, ठीक है। Unusual means not common. और intense का meaning मैं खुद बता देती हूँ आपको। intense कहते हैं deep, गहरा। इंटेंस रिलेशनशिप लिखा हुआ है ना लास्ट में, तो उसका मतलब है गहरा, गहरा ताल्लुक। ओके, अनयूजुअल गैर मामूली, नॉट कॉमन। डन। ओके, सो व्हाट्स द स्टोरी अबाउट। द स्टोरी इज अबाउट अ पर्सन एंड हर स्ट्रेंज एंड इंटेंस रिलेशनशिप विद अ फैमिली। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ वन पर्सन, एक बंदे के बारे में है। एंड उस के स्ट्रेंज एंड इंटेंस, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ओके। इंटेंस मीन्स डीप, गहरा। रिलेशनशिप मीन्स ताल्लुक, ओके। एक फैमिली से उसका बहुत ज़्यादा गहरा और अजीब किस्म का ताल्लुक था एक पर्सन का। सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट वन पर्सन एंड मे बी उसके ताल्लुक के बारे में, कि किस टाइप का ताल्लुक था, क्या था उस सब कुछ, ठीक है। ओके, सो इंटेंस, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इंटेंस, डीप। राइट डाउन द मीनिंग
if you can write, if you want to write down the meaning of strange, you can. Strange means ajeeb. ठीक है? Okay. Now the chapter starts here. 4 years. 4 years. Okay. 4 years. Our family had no name. We were simply the people who have Meta. Okay, 4 years, our family had no name. We were simply the people who have Meta. Meta is a person. Okay, मैं दोबारा से बता देती हूँ, this story is about, ये story किस चीज़ के बारे में है? This is about a one person, एक specific person की story है ये, कि that have an strange and intense relationship with the family. एक ख़ानदान के साथ, उसका बहुत ज़्यादा गहरा, इंटेंस मीन्स डीप, गहरा ताल्लुक और अजीब सा ताल्लुक था, उससे रिलेटेड है ये स्टोरी. ओके, द पर्सन नेम इज़ आई थिंक सो इट्स नेम, हर नेम और मे बी हिज नेम इज़ मेटा. ओके, लेट्स फाइंड कि वो कौन है. फॉर ईयर्स आवर फैमिली हैड नो नेम, कई सालों तक हमारे ख़ानदान का कोई नाम नहीं था. ओके, वी वर सिंपली द पीपल हु हैव मेटा, शी वॉज प्रैक्टिकली अ लेजेंड इन आवर नेबरहुड. Few understood how my mother could put up with her. Okay, Meta is a woman. Okay, ये girl है, ये woman है. She was, उसकी बात कर रहे हैं ये कि सालों तक हमारे ख़ानदान का शुरू में कोई नाम नहीं था. We were simply the people who have Meta. हम just वो लोग consider किए जाते थे, हमारे बारे में ये कहा जाता था कि बस हमारे पास Meta है. अब Meta की ऐसी क्या खसूसियात है, क्या characteristics है कि लोग उसे, मतलब इतना वो उसके बारे में ये सोचते हैं कि हाँ, ख़ानदान का नेम तो नहीं था बट हमें इस तरह कंसिडर किया जाता था, हमारे बारे में ये सोचा जाता था कि वी हैव मेटा. ओके, सो शी वॉज प्रैक्टिकली अ लेजेंड, शी वॉज अ लेजेंड इन अ नेबरहुड. ओके, शी वॉज प्रैक्टिकली अ लेजेंड, इसका क्या मतलब है कि वो एक लेजेंड थी, यानी एक अच्छा, जो अच्छे इंसान होते, जो बहुत अच्छा इंसान होते. ठीक है, फ्यू अंडरस्टूड हाउ माई मदर कुड पुट अप विद हर, ऑल्दो आई एम नाउ अ ग्रोन वुमन विद अ फैमिली ऑफ माई ओन, मेटा स्टिल लूम्स एन ऑसम फिगर इन माई मेमरी. ओके, ये स्टोरी जो है आपको एक वुमन बता रही है, एक औरत आपको डिस्क्राइब कर रही है. नाउ शी इज़ अ मैरिड वुमन, ठीक है, वो एक मैरिड वुमन है और वो आपको बता रही है कि मेटा जो है, स्टिल आई एम थिंकिंग कि मेटा का जो, मतलब शी इज जस्ट सेइंग कि स्टिल इतना, मेरी भी शादी इवन हो गई, शी इज सेइंग दैट एंड स्टिल मेटा इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फिगर. फिगर का मतलब कि अपेयर्स अ लार्ज फ्राइटनिंग एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, सिंपली इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी. सो मेटा के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि शी हैव एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी. ओके, इसकी बहुत काबिल तारीफ पर्सनैलिटी है. ठीक है, ओके, इन माई मेमरी. ओके, मेमरी की बात यहाँ हो रही है. एक औरत आपको ये स्टोरी, शी इज डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ हर ओन फैमिली, वो अपनी फैमिली चाइल्डहुड और इन चीज़ों का बता रही है आपको. एंड शी इज सेइंग के वी है मेटा जो है, अब उनके घर वो क्या थी, मे बी शी इज़ अ सर्वेंट, या वो कोई हाउस कीपर थी, या क्या थी उनके घर पे, उनका क्या ताल्लुक था. वी विल फाइंड दिस, वी विल फाइंड दैट इन द स्टोरी. सो अब देखते हैं कि वो क्या थी. ठीक है, लेकिन शी इज सेइंग के मेटा हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके पास ना, Meta still looms an awesome figure. This simply means she is having an impressive personality, attractive personality. Okay, in my memory. Okay, in my memory. यानी वो कह रहे हैं, सॉरी कह रही हैं, ये जो भी वुमेन है ये डिस्क्राइब कर रही है. तो शी इज सेइंग के मेटा जो थी, आई थिंक वो उनके घर हाउस कीपर थी, मे बी या सर्वेंट होंगी, कुछ होंगी. ठीक है, सो द वुमेन इज सेइंग के मैं खुद जो है, अब आई हैव माई ओन फैमिली, स्टिल आई इन माई मेमरी, यानी मेरी याददाश्त में अब तक जो है मेटा का पर्सनैलिटी से रिलेटेड ये सोच है, ये थाट है कि शी इज़ हैविंग एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी. ठीक है, वो एक अच्छे काबिल तारीफ पर्सनैलिटी की मालिक थी. ओके, शी वॉज नॉट आउटवर्डली एट लीस्ट, आउटवर्डली एट लीस्ट मीन्स के दिखावा नहीं था उसमें, अ लवेबल वोमेन. लवेबल मीन्स जो पसंद किया जाता है लोगों को,
ओके, लवेबल वुमेन एज चिल्ड्रन माई ब्रदर एंड आई वॉज नॉट सॉरी माई ब्रदर एंड आई वर टेरिफाइड ऑफ हर. ओके ओके, शी वॉज अ लवेबल वुमेन, यानी वो बहुत सबको पसंद आती थी. ठीक है, शी वॉज अ वेरी काइंड, यू कैन से बहुत अच्छी खातून थी वो. लेकिन माई ब्रदर एंड आई वर टेरिफाइड ऑफ हर. टेरिफाइड मीन्स खौफज़दा, स्केयर्ड. ओके, अब ये जो वुमेन आपको स्टोरी सुना रही है ना, शी इज सेइंग कि मैटर से मुझे डर लगता था, मुझे खौफ आता था. ठीक है, ओके, सो दिस वुमेन इज सेइंग कि जो मैटा थी उनसे मुझे डर लगता था. आई वॉज टेरिफाइड, आई एंड माई ब्रदर बोथ ऑफ आस वर टेरिफाइड ऑफ हर. हम जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थे. ठीक है, यानी हमें उनसे डर लगता, वी वर स्केयर्ड ऑफ हर. बाकी वो सबके लिए एक लवेबल, एक अच्छी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी रखती थी. ठीक है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ टेरिफाइड. टेरिफाइड मीन्स खौफज़दा. इंग्लिश में आप अगर लिखना चाहें, इन इंग्लिश इट इज़ स्केयर्ड. Terrified, khaufzada. Hurry up, write it down. Okay, so then what happened? Yet she taught us more in her own way, but about trust and love and loyalty than any book, any school, any single person I know. Okay, the woman is saying कि मुझे उनसे बहुत डर लगता था. I and my brother were used to scared of that matter woman. ठीक है, उससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था. But instead of that, she believes, उसको यकीन है कि मैं, मुझे और हम सबको उसने किसी बुक से, किसी स्कूल से, किसी इंसान से ज़्यादा कुछ सिखाया है. और क्या सिखाया है? अबाउट what? अबाउट ट्रस्ट, यकीन के बारे में. अबाउट लव, लव के बारे में. एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स वफादारी. ठीक है, कि कैसे एक पर्सन में क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमें ये सब मेटा ने सिखाया है. ओके, सो नाउ मेटा हैड बीन आवर हाउस कीपर लॉन्ग बिफोर आई वॉज बॉर्न. ओके, सो बिल्कुल हमारी बात बिल्कुल ठीक थी. शी वॉज अ हाउस कीपर. ओके, लॉन्ग बिफोर आई वॉज बॉर्न. That woman whom is describing the story is saying के मेटा जो थी वो उनके घर हाउस कीपर थी तब से. इवन के जो वुमेन आपको स्टोरी बता रही है ना, शी इज सेइंग के आई वॉज इवन नॉट बॉर्न, मैं अभी पैदा भी नहीं हुई थी कि मेटा वॉज देयर एज अ हाउस कीपर इन आर हाउस. ओके, इट सीम्ड एज दो शी हैड ऑलवेज बीन देयर लाइक द पिक्चर ऑफ माई ग्रैंड मदर विच हैड हंग फॉर डिकेड्स इन द हॉल. ओके, यहाँ जस्ट मेटा को कंपेयर किया गया है एक पिक्चर के साथ. पिक्चर किस चीज़ की है, किसकी पिक्चर है? ग्रैंड मदर की पिक्चर है. जस्ट ऐसी कंपेरिजन किया हुआ है कि मेटा जो है वो स्टक रहती थी, यानी वो हमारे घर में डिकेड्स कहते हैं अ पीरियड ऑफ 10 years. डिकेड्स मतलब कितने सदियों से, जो लोग कहते हैं ना सदियों से या फिर बहुत ज़्यादा सालों से, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है पीरियड ऑफ 10 years. सो द वुमेन इज सेइंग के जो मैटर थी हमारे घर, वो जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो यहाँ हाउस कीपिंग कर रही थी, हाउस कीपर थी. और जैसे उसने कंपेयर किया कि जैसे हमारे घर में एक पिक्चर है और वो कब से दीवार पर स्टक हुई हुई है, उसको ना कोई देखता है ना कोई. ओके, सो डिकेड्स का मीनिंग लिख लिया आपने, अ पीरियड ऑफ 10 years. तो यहाँ पे पिक्चर के साथ रिमेंबर दिस थिंग, उसको जस्ट कंपैरिजन किया हुआ कि जैसे आपके घर में भी कोई एक ऐसी चीज़ होगी ना जो कि काफ़ी टाइम से हो और उसको लोग मतलब इतना क्या कहते हैं अटेंशन ना देते हो, इग्नोर करते हो. सिंपली कोई ना कोई डेकोरेशन पीस या कुछ होता है ना, या कोई पिक्चर हो जो बहुत पुरानी हो. सो आप सोचिए दादी की पिक्चर, सो दादी की उसकी पिक्चर कब से उसके घर में वॉल पे फ्रेम की भी लगी हुई है. एंड शी इज़ जस्ट कंपेयरिंग मेटा टू दैट पिक्चर ऑन द वॉल के ये जो है क्या है, उसकी तरह स्टक हमारे घर में, मतलब उसकी तरह सालों से, डिकेड से हमारे साथ है. ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर. स्किनी एज अ पोल, स्किनी का मतलब है बहुत कमज़ोर. स्किनी मीन्स बहुत कमज़ोर. विथ शार्प ब्लू आइज एंड ऑस्टेयर फेस एंड विस्पी,
लुक एट द येलो बॉक्स. ऑस्टियर का मतलब लिखा हुआ है सीरियस लुकिंग, यानी जो लोग गुस्से वाले होते हैं, जो सीरियस लुक देते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ऑस्टियर फेस, यानी सीरियस लुकिंग फेस. सो ये आप किसके बारे में बताया जा रहा है, ये मेटा के बारे में बताया जा रहा है. उसका आपको फीचर्स बताए जा रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी से थोड़ा बहुत बताया जा रहा है कि वो किस तरह थी, ठीक है, लुक वाइज वो कैसे थी. स्किनी थी, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, ठीक है. एज अ पोल मतलब एक पोल के साथ, उसको आपने पोल देखा ना, खंबा जिसको कहते हैं, उसके साथ कंपैरिजन किया हुआ है कि इतनी कमज़ोर थी कि वो पोल की तरह लगती थी. विथ शार्प ब्लू आइज, उसकी शार्प यानी तेज़ इस तरह ब्लू कलर की आइज थी, ठीक है. विद एन ऑस्टियर फेस एंड विस्पी, विस्पी का मतलब यहाँ नीचे आप येलो बॉक्स में देखें, लुक एट द येलो बॉक्स, देयर इज़ द मीनिंग ऑफ विस्पी. विस्पी मीन्स थिन एंड लाइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और लाइट वेट, यानी वेट उसका इतना नहीं था. ओके, विद एन ऑस्टियर फेस मीन्स गुस्से वाली सीरियस लुकिंग फेस के साथ ही. ग्रे हेयर ड्रॉन टाइट इंटू अ बन. ओके, बन इज़ अ हेयर स्टाइल. अब बन आपको मैं बताती हूँ, जूड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं. इट्स अ हेयर स्टाइल फॉर वुमेन, तो वो हमेशा इसी हेयर स्टाइल में रहती थी. ओके, ये किसकी बात यहाँ हो रही है, मेटा की बात हो रही है. शी हैड कम ओवर फ्रॉम जर्मनी इन द 1920s, इन स्पाइट ऑफ द 40 odd years she spent in the US, she could barely speak English. Okay, so now what happened? Meta के जो बाल थे, her hair color was grey. Grey का मतलब होता है कि जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यानी जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनके अगर अक्सर आपने देखो वो थोड़ी ग्रेश लुक देते हैं. ओके, सो शी वॉज़ फ्रॉम, शी हैड कम ओवर फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से वो आई थी. ओके, एंड इन स्पाइट ऑफ द 40 odd years शी स्पेंट इन द US, US में उसने 40 years गुजारे, स्टिल शी कुड बेयरली स्पीक इंग्लिश. बेयरली मीन्स हार्डली, मतलब मुश्किल से ही वो इंग्लिश बोल सकती थी. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. यहाँ पे मार्क कर लें आप, टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ओके,